मैं किसे के है गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत के रहा हम आज हम भाई ज्ञानपुरा गांव में और ज्ञानपुरा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है तो किसानों की जो 6 महीने की फसल है भाई वह अमानत है वह आज माटी में मिलने लग रही तो आपने दिखावांगे और टिंडों से बिल्कुल लथपथ है लगभग पूरा गांव में यह समस्या बताई गई है तो बात भी करांगे इस समस्या कारण के है और जो भी गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं ट्रैक्टर और साथ में रूटावेटर चला दी गई तो देख सकते हैं मिट्टी में मिला दिए गए जो भी 6 महीने की फसल थी वो 6 महीने की फसल बिल्कुल मिट्टी में मिलाई जा रही है। और अगर टिंडों की बात करें तो बिल्कुल लथपथ है टिंडे और टिंडों में एक बड़ा कारण आया है कि इसमें जो टिंडे हैं उनमें कीड़ा लगा हुआ है। कोई भी टिंडा फाड़ सकते हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि कीड़े लगे हुए हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे बिल्कुल देख सकते हैं। और एक किसान के ये 14 से 15 किले हैं वो सभी बाने लग रहे हैं तो उसको जुताई करने लग रहे तो आप फिलहाल देख सकते हैं और कारण भी जानेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कोई भी टिंडा फाड़ सकते हैं जो फल है फल बोलते हैं उसको तो बिल्कुल गांठ बनी हुई इस टिंडे की और कोई भी टिंडा उखाड़ लो तो वो बिल्कुल खराब मिलेगा तो देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं। और जितने भी साथी जुड़े भाई एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे तो जितने भी साथी जुड़ा भाई एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और जितने भी किसान हैं पूरा गांव राम आज इकट्ठा हुआ है जो गांव के लोग हैं गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं तो बातचीत भी करेंगे कि क्या कारण है या क्या बीज में कमी रही पानी की कमी या फिर मौसम की बरमार रही है तो पूरी बातचीत करेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जो ये फसल है जो ये बाड़ी है नरमा है वो लगभग 7 से 8 फीट यानी ज़्यादा भी कह सकता हूँ देख सकते 10 फुट पे भी ये पौधा गया है ये पेड़ा गया है। तो फिलहाल तस्वीर देख सकते हैं भाई मैं अगर ऊपर हाथ करूँ तो ये लगभग 10 फीट के करीब है 9 से 10। और फिलहाल तस्वीर देख सकते हैं टिंडों से बिल्कुल लथपथ है और किसान क्यों बाने लग रहे हैं वो कारण बता दिया कि जो टिंडे हैं वो टिंडे आज तक भी नहीं खिड़े हैं और समस्या इसमें बहुत बड़ी बनी हुई है कि जो टिंडा है आज तक नहीं खिड़ा है वो कपास नहीं निकली है और जो टिंडे हैं और जो पत्ते हैं यही बताया गया कि जो पत्ते स्टार्टिंग में आए थे वही नुके नू हैं तो इसमें बीज में दिक्कत है या पानी की समस्या है मौसम की भरमार है तो सारी बात हम करेंगे किसानों से करेंगे। और एक किसान के 15 एकड़ के आसपास है वो सभी बहाने लग रहे हैं तो रूटावेटर चला दी गई है जैसे ही हमको पता चला कि ये जो दिक्कत बनी हुई है तो हम यहाँ पहुँच गए हैं तो बात करेंगे जो यहाँ के किसान है गांव ज्ञानपुरा के तब राम राम के समस्या था या क्यों बाने लग रहे हैं बीज कीड़ा है टिंडा में टिंडा नहीं पड़ रहा हर तो किसान भी टिंडा उखाड़ लिया उसमें बिचर कीड़ा है। अच्छा चलो एक बार दिखाइयो कोई टिंडा ये टिंडा पड़ रहा है देखो भाई ये टिंडा लिया है कोई भी टिंडा ले लो तो उसमें देख सकते हैं भाई कोई भी टिंडा कर लो फोवा उक्रमण आवे देखिए इस पौधे में तो या तो बीज में कमी है बीज में कमी है हाँ और या फिर कोई न कोई इसी प्राकृतिक संकट है इसका किसानों को जो सभी नहीं खेती है मारे जा रहे हैं तो है या बीज कौन सा बीज है और उसने बाड़ी बो रखी है पानी की समस्या तो नहीं पड़ी ना पानी कोई समस्या नहीं पड़ी बीज में खामियां है ये लगभग पूरे गांव में बताया जा सारा है सब कई है। अच्छा सारी जानकारी जो अच्छा चलो भाई आगे है किसान जुड़ रहे हैं उनसे बात करांगे जो किसान है पूरा गांव के किसान आए हैं तो एक बार भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे तो देख सकते हैं भाई कोई भी टिंडा उखाड़ लो उसे में कीड़ा मिला है लाल मिला है तो हाँ।
करनी पड़ेगी जब इसका में बिजाई होगी, यानी 3000 रुपए किला। हाँ, 3000 रुपए किला खर्चा होगा। 21000 रुपए तो अपना मतलब बर्बाद करने वाला के। हाँ, बर्बाद करने वाला के। और लाख रुपया तो ऊपर आपकी लागत होगी। हाँ, लाख रुपया तो ऊपर लागत होगी। आमदनी 1 रुपये की नहीं। देख लो भाई, तो ये समस्या किस कारण लगा अपने के कारण है? समस्या कारण ये बीज बीटी नहीं है, कंपनियां ने मिलके ने बीटी घटा दी। बीटी घटा के दवाई आया तो संपर्क करके बीटी खत्म कर दी, तो कीड़ा हो गया। उनकी अपनी दवाई बेचनी थी, यानी कंपनी ने करया जो भी करया। कंपनी ने करया, सरकार सारा सौदा कंपनियां का अधीन करने लग रही है। और कंपनियां का काम जो आपका सामने दिखाई दे रहा है, ये है लक्षण कंपनियां के। यदि सरकारी कंपनी होंगी तो ये नहीं होता। और ये समस्या पूरा गांव में बन रही है? पूरा गांव में कौन, पूरा एरिया में, पूरे एरिया में यह बीमारी है। एक मानी सागर मंडा में है। मेरा 15000 रुपये किला इसके ऊपर खर्च हो लिया जब तक यहाँ, या 7 फुट लकी बधाई, और आज इसमें 1 रुपए की आमदनी को नहीं करता, खर्च शुरू हो रहा है। गुजारा के ऊपर करांगे। देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें, रूटावेटर चला दी गई है और किसान की जो 6 महीने की मेहनत है वो बिल्कुल माटी में मिल गई है। तो कैसे उसका गुजारा चलेगा और कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, क्योंकि किसान के साथ में परमात्मा के लिए पड़ा रहा है। और अब कंपनी का नाम लिया गया, जो कंपनी है जिससे बीज लिया गया था, उस कंपनी ने ये जानबूझ कर किया कुछ ऐसा, किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, और मैंने ये बाड़ी की बात करी थी, लगभग ये पौधा है जो लगभग 7 से 8 फुट बदरिया लंबाई है इसकी। और टिंडों की अगर बात करें, बिल्कुल लथपथ है टिंडे, बहुत ज्यादा संख्या में टिंडे लग रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, और भाई जितने भी साथी देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि आपका एक शेयर जो ये कंपनी है जो गड़बड़ कर रही है, किसान को मारने पर तुली हुई है, उस तक जरूर जानी चाहिए। तो बातचीत करते हैं एक बार, तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। कम से कम भी 1 किलो गला 35000 का ठेका हो गया, 15000 खर्चा, किलो गला 50000 तो ये 30000 रुपये और मान के चलो 30000 रुपये, 60000 रुपये किला बढ़ गया, 60000 पक्का। 7 किलो वाला 4.5 लाख का हो गया, एक नहीं सारा गांव का नुकसान से, गोंडा में 14 गांव से 14 के 14 गांव में नुकसान हो रहा है। न्याय बीमारी सारे में, थोड़ा बहुत किसी कंपनी वाले चढ़ते बीज लिया। देखो जी, हमें तो आप बनाए छो, अरे आपने आगा ही हो, हमने हमारी समस्या दिखा दी, गवर्नमेंट की सलाह है, हमने जो समस्या जो हमारी दिखा दी, सारा गांव बढ़ जाते देख लो, डाली डाली गांव में चले है। जो बीज है दे रखे उसकी वो नाइट के अंदर हमें कोनी आंदे भाई। अच्छा, हां तो बिल्कुल दे रखे पक्के, पक्के में नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए, बीमारी आ चढ़ा है, बिल्कुल ना दिए, नहीं आपने लिए लिखे, पहला तो ले कोनी जिंदे कोनी, पहला तो जमींदार बोल है जा हुआ कोनी, बिल्कुल बीज था दे ये पेट हो है उसके ऊपर सरे हम यूं लिखा हुआ है, अभी मैं कोई जिम्मेवार को नहीं, आप खुद जिम्मेवार हो, पक्का बिल तो उन देंदे मम्मा देंदे पक्का बिल नहीं देंदे भाई, सपरा न्यारे है ये न्यारे है, सपरा भी बढ़िया इनमें नौ सपरे कर रखे है, जुकरी इसमें 9 सपरे हो रहे हैं, मान के चलो सब ताऊ जी। अगर बात करें किसान की यह फसल है, क्योंकि इसे पे टिका हुआ है और जो बच्चे ब्याहने हैं या रोजगार चलाना पालन पोषण करना है तो इसी पे आधारित है। हाँ। तो आज यह माटी मिल गई फसल तो के कुछ करा भी कह गए, हम तो मार दिया बिल्कुल, हम हाथ जोड़ के करे हैं सरकार, कुछ न कुछ जमींदार ने भी चाहिए, जो सा दिन देखना न रात देखना, रात न भी पानी लावा, सापा के मुंडे फोड़े, फिर हमारी फसल बर्बाद होगी। आप देख सको इसमें खड़ी फसल बिल्कुल तहस नहस करने लग रही है भाई, किसान मजबूरी है, क्योंकि जो फल आया था भाई वो फल फायदा जो फल आया था टिंडे लगे थे तो वो किसानों को भी नुकसान नहीं हुआ उसका, क्योंकि टिंडे में लाल और कीड़े मिले हैं, तो टिंडे बिल्कुल लाल और कीड़े मिले हैं, तो किसान का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और बोल रहे हैं कि जो इसमें कम से कम 15-20 हजार रुपये तो बाण बोण में लग जाए हैं भाई, तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो मैं बार बीज में कमी है, जो ये बीज कंपनी वाला ने बेचा, ये बीज बीटी नहीं है, ये दुआ यारा था मिलकर इसका बीटी घटा दिया, सारी नरमा तैयार हुई आई में सारी में कीड़ा हो गया।
कीड़ा भी टिंडा के भीतर, टिंडा के अंदर कीड़ा हो गया, जो पीछे दवाई तक जो भीतर कीड़ा पैदा हो गया, ये जो सारी कमजोरी बीज की है जो ये कंपनी ने बीज भेज रखे, नकली बेच रखे है। आपकी बार बीज कंपनी, कड़ा बीज कंपनी आपकी बार कंपनी है ना, अगर बाड़ी की हाइट अच्छी हो ना, जो फसल अच्छी हो है उसमें मसूरी ऐड करिया कर दे, उसकी बार नहीं है कोई कुछ आवे कुकर खेत में देख के देख, जमींदार देखे बाकी कोई कौन देखता, गवर्नमेंट ने आंख नीचे बैठी है, खेत में आएगा बीज वाला की हिम्मत नहीं है, ये सरकार चलाओगी कब, अगर जो जमींदार मर गया तो ये करेगी के दुनिया को के खुआवेंगे, तो कंपनी वाले ने 7 फुट की बाड़ी दिखा है इस टाइम के ऊपर, भाई साहब आए खड़े हुए हैं, इसका जायजा ले रहे हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते सरकार से आके हमारी कोई सहायता करे, नहीं जमींदार इंसान मर गया, कभी जमींदार गरीब हर इंसान मरिया खुद पड़े, देखो जी ज्ञानपुरा नहीं 14 गांव, आप खरग जाओ, बेना खेड़े जाओ, पन्यारी जाओ, देखो एक बन होगा नहीं, देखो एक खत्म हो रहा है, ये जी आपकी मेहरबानी है, आप किसको चल्लू करें। और ताऊजी अगर बात करना जैसे सरकार से क्या अपील करना चाहोगे कि ये जो कंपनी है इसकी जांच हो, कंपनी की जांच होनी चाहिए, हमने इंसान को बीज अच्छे से अच्छा पता देना चाहिए जिससे हमारा गुजारा हो, अगर जब ये बीज गया तो दुनिया मर जाएगी भूखी, क्या खाएगी, ये खर्चे किस चीज से काटेंगे, गवर्नमेंट ने कह दिया 2000 रुपये दे दिए, 2000 में एक कुर्ता पजामा भी मंडा भीतर में क्या गिड़ेंगे, अनुपादा कहाँ से करेंगे। और तब से अगर बात करना स्टार्टिंग से जब बोने से लेकर अब तक कितना खर्चा आ जाए पर एकड़, कम से कम इसके ऊपर 15,000 का तो खर्चा आ गया, बाकी बाढ़ लग रहा है 3,000 रुपये लगेंगे ट्रैक्टर लगेगा एक एकड़ पे, दहाई फिलहाल आप चालन लाग रहा है, आप गवर्नमेंट आके देख सकती है, देख सकते हैं किसान बिल्कुल माटी में मिल गया, फसल नहीं कहूंगा किसान ने माटी में मिल रहा है, क्योंकि जो ये बेचारे हैं ये अपनी 6 महीने की फसल उगाकर ही अपना जो बच्चों का पालन पोषण है पालन पोषण करते हैं, जो बच्चों की शादी वगैरह है वो करते हैं, तो फिलहाल देख सकते हैं भाई किसान है बिल्कुल माटी में मिलता ही जा रहा है, जो महंगाई है वो चरम सीमा पर चढ़ गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान और मजदूर बिल्कुल मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कभी मजदूरी घटा दी जाती है, कभी किसान है किसान को मार परमात्मा देता है, कभी सरकार मार देती है और कभी कंपनी मार देती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान से लेने को मिल रहा है। और मैंने अगर बाड़ी है जो ये नरमा है उसकी हाइट की बात करी थी, कम से कम 9-10 फीट ये हाइट गई हुई है, और टिंडे बिल्कुल लथपथ है, और अगर बात करें कि इस पे फल भी बिल्कुल फुल है, और किसानों के लिए तो जीरो है, क्योंकि जो ये टिंडे हैं बिल्कुल खराब हैं, अंदर लाल और कीड़े लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बिरान माटी हो रही किसान की भाई। और इस वीडियो ने भाई जितने भी साथी देखने लायक रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, और कुछ भाई पूछा भाई गांव कौन सा गांव, ज्ञानपुरा है, ज्ञानपुरा ही सार मावे है, तो इस वीडियो ने भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, तो हरियाणा की पूरे हरियाणा में तो नहीं भाई, अगर यहाँ के आसपास की बात करें जो ज्ञानपुरा के 14 गांव बताए जा रहे हैं उसमें बिल्कुल यही समस्या है, एक भी परिवार को अच्छी नरमा नहीं मिली है, तो बिल्कुल ये खराब मिली है। और जितने भी साथी जुड़े भाई एक बार सभी से अपील है एक एक शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि जो कंपनी है कंपनी को भी पता चलना चाहिए कि जो हमने बीज बेचा था वो बीज आज कितनी दिक्कत में आया, कितनी तकरार में आया है, हमारे बीज के खिलाफ आज किसान बोल रहे हैं, उनको भी तो ये पता लगना चाहिए। तो देख ये लगभग 80-85 या 90 साल का बूढ़ा आज बिल्कुल गरमाई पर है, क्यों गरमाई पर, क्योंकि 6 महीने की फसल है, वो 6 महीने की फसल इसकी जा चुकी है, और देख सकते हैं बिल्कुल आंखों के आगे ही वो बोलते हैं ना कि चिता जल रही है, वो उसी तरह आज ये किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, क्योंकि इसमें कोई फल नहीं मिला इनको, और मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है, पूरा परिवार मेहनत करता है, उस मेहनत के बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, और उस बीज कंपनी के लिए क्या कहोगे, क्योंकि फसल है जो बारिश तो हाइट अच्छी हो रही है, टिंडे भी लग रहे लेकिन अंदर कीड़े हैं, जो फसल अपना काम की नहीं, इसे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, बीज अच्छा अच्छा दो, सप्रे अच्छा अच्छा दो, ये सारा नकली बीज बुझा रखे है,
जब हमने आज तक कोई कीड़ा मालूम नहीं होया, ये टिंडे के भीतर कीड़ा कितना होया, ये बीज की कमी है और गवर्नमेंट की कमी है, जब कंपनी की छमाही कर दी। अगर चल ये इंसान मर गया, ये राज प्रधानमंत्री किसके ऊपर राज करेगा? अगर अन्न नहीं खाने पाया तो एक इंसान जीवे को करेगा? आज बलावा हमदी को नहीं, मारी कोई जिम्मेवारी नहीं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं सारी कंपनियां को दे रहे हैं, ये सारा सौदा कंपनी में बिक गया तो इंसान आप मर गया, इतनी कहने की जरूरत नहीं। ये क्यों झूठ बोल रख मैं इंसान को उपरान छाऊ, ये इंसान को मट्टी में मिलाओ इसको, जब हमारी पैदा हो जाएगी के खावांगे? कह दिया 2000 रुपये दे दिए, 2000 का एक कुर्ता पजामा कौन बंदा खावा का के? और महंगा इतनी बढ़ी था, पेट्रोल डीजल आज 100 के पार हो गया भाई, वो जावा भी किस चीज का, जब हमारा पैदा नहीं होगी उस पेट्रोल का कराएंगे क्या? करांगे, वो चलावांगे क्या? मैं पेट्रोल मिलेगा कुकर से मारे भाई, कोई अन्ना ही नहीं होगा बिना पैसा दो भरा चाह भी कौन धंधा उधार है? और ताऊ जैसे किसान है और फसल किया इंतजार करेगा बच्चों की? हाँ जी, कि मैंने उसके किसान का देना जो भी करना हो फसल किसान को, क्योंकि मैं फसल बेच के दूंगा, फसल बेच के दूंगा जिसके भी देना है। लेकिन फसल है आज ताऊ देख भी रहे हो आप, फसल में क्या कुछ नहीं लगा तो भाई देख सकते हैं, बिल्कुल बड़ी बात है भाई और बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान है 6 महीने की जो मेहनत हुआ है उस पर फसल उगावे है और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बच्चों की शादी इसी पर निर्भर करता है, तो बच्चों का पालन पोषण भी इसी पर निर्भर होता है। लेकिन अगर वो मिट्टी में मिल जाती जो उसकी मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाती है, तो वो किसान कहाँ जाएगा, वो मजदूर किसान कहाँ जाएगा जिसका आमदनी जीरो हो जाती है और खर्चा बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं भाई किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो रही है, किसान का जो ये कम से कम एक किसान के ये 14 से 15 एकड़ है यानी किले बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सभी बाने लग रहे हैं, तो रोटावेटर के साथ में इसको जीरो किया जा रहा है। तो फिलहाल की तस्वीरें देख सकते हैं, और क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब जो आज ये बाने लग रहे हैं आप? यह बड़े दुख की दर्द की बात है, जो आज हमें बीज के कारण यह हमारे किले वो आने लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने शर्म आनी चाहिए, हमारे 8-8-9-9 बच्चे हैं, हम उनको कहाँ से खिलाएंगे कहाँ से पिलाएंगे, तेल है तेल ऊंचा टांग दिया, सब चीज़ पर महंगाई कर दी। लेकिन बड़े दुख की दर्द की बात है, ना ही पटवारी आया, ना ही यहाँ पर कोई लंबदार आ रहा, ना ही MLA आ रहा, वोट मांगने की टाइम पर आ जाते हैं, वक्त पर नहीं संभालते हमको। तो कोई पटवारी वगैरह ये गिरदावरी करने नहीं आए हैं? नहीं आए हैं जी, अब तक कोई भी नहीं आया। और क्या लगता है ये बीज की कमी है तो या पानी पुनी कुछ और कमी है? ये बीज की भी कमी हो सकती है, क्योंकि पिछले साल बीज बढ़िया आए थे, तब प्रोग्राम क्रिया कर दे, एक भी नहीं दिखाई दिया किसी को भी, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। और अब की बार कमी में थे इसलिए नहीं आए, तो नहीं हर बार प्रोग्राम होता था? हर बार प्रोग्राम करे करते, एक महीने पहले ही करे करते भाई यहाँ प्रोग्राम है यहाँ प्रोग्राम है, अब की बार क्यों नहीं आए भाई? इसी की बात है, सबसे मेन बात यह है कि हमारा मौजा मिले और हमारा कुछ न कुछ करे सरकार। और जिस प्रकार अभी ये 14-15 किले आप बाण लग रहे हो, तो इसमें आप आगे खर्चा कैसे चलाओगे, क्योंकि इसमें तो कुछ होना जाना नहीं है, तो आगे खर्चा बुआई बोए इसमें दोबारा फिर फसल उगाने के लिए आप तैयार करोगे, तो किस तरह बनेगा ये खर्चा? हम तो ये तो देखो जी मेहनत करनी तो पड़ा है फिर भी, लेकिन हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा खर्चा पानी हमें मिले, और ताकि हम आगे से हमारा बुआरा ठीक ढंग से कर सकते, बढ़िया हमारे बच्चों का रोजगार चले, सभी चीजों से हम जो चले जावा, ये तो भी नपाचा आ जाएंगे सपराले, बस सपरा पीछे दे दो कोई आ जाए खरब नोला बताओ कहाँ से देंगे, फिर उनके साथ लड़ाई होगी लठ बाजेगा, ये बात अच्छी नहीं हो रही सरकार आप ठीक नहीं कर रही, हमें तो कुछ न कुछ मौजा देना चाहिए, जल्द से जल्द हमारा ये पूरा गांव उजल चुका है। यानी सरकार ना कुछ सोचना चाहिए, जो खर्चा लग गया है वो दे दो कम से कम है, क्योंकि जो चढ़ा है किसी सपरा खाद बीज वाला उसके उतर जाए, क्योंकि जो किसान है वो तो नुकानू रह लेगा, तो उस थोड़ा उसका ही जैसे कुछ है उसका ही दिया जाए, जो उधार चढ़ रही वही दे जाए, कुछ सरकार ना ऐसा सोचना चाहिए। हम यही सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ सरकार हमें दे, आगे हमारे कोई दिक्कत ना आए, अगर ऐसे करते रहे तो हमारे कर्जा चढ़ जाएगा, हम किले बेचते रहेंगे, कोई फांसी खा जाएगा, कोई
बच्चे का कत्ल हो जाएगा, कोई तरकीब में हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा न करे, अपने बढ़िया तरीके से किसानों की देखभाल करे और अच्छा काम करे, तभी आप सुथरे लगोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक बात बताओ, बैंक वालों ने बीमा कर दिया, इस खेत का मैंने कट्टी काट दिया था, उसमें 3% गवर्नमेंट देती है, 4% किसान के लगया करता, ये मैं पैसे चुका नहीं सकता क्योंकि बीमा काट दी 1700 रुपये, कोई कंपनी वाला यहाँ नहीं आया, तो कंपनी वाला नहीं आया 1700 तो बैंक लूट लेंगे हमारे, अरे भी एक केस कुकर पाटांगे हमें, डिफॉल्टर हो गए, न्यूनतम बढ़िया बोझ, न्यूनतम बैंक का बोझ, ठीक है, यानी एक शरीफ आदमी को डिफॉल्टर बना दिया गया। हाँ, प्रधानमंत्री पीएम फसल योजना है, उसको आना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या हो रहा है, जो बिना पूछे बैंक पैसे काट ले है, अगर बीमा कर दिया तरा खुश है किसान, नहीं उनकी बोल दिया लिख के दे दो भाई, नहीं कराना है तो ये पैसा भी कट गया, ओड़े भी कट गया, ये मौजा भी कौन मिलता, गवर्नमेंट भी कौन दे दे, वो भी कौन दे दे, क्या करेंगे हम, तो ये बताओ, कोई नंबरदार या पटवारी के जरिए भी कोई इसमें गिरदावरी नहीं की जा रही, तो बहुत बड़ी समस्या बन रही है। हाँ, सारा अनदेखी हो रहा है जी, मतलब कंपनी आया ने भी आना चाहिए, पटवारी को भी आना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए, उससे हमारा ईसा हो जाए, बच्चे पड़ जाए अगली फसल का, फिर हम पहुँच सका, ये पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि किसान है जो इस फसल पे टिके 6 महीने जो मेहनत करा है, अपने बच्चे भी पढ़ने, बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना, उसी पर टिके हुआ है, लेकिन अगर वो फसल खराब हो जाए तो वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए, कुछ नहीं जी, मिट्टी में मिल गए, रोड पे आ गए, ठीक है, क्या तो भाई ताऊ जी आए हैं और बोल रहे हैं बीमारी कहाँ से आई है उसके बारे में थोड़ी बताएंगे। हाँ ताऊ जी, कहाँ से आए? बीमारी आई जी कंपनी के बीज से, कंपनी के बीज। हाँ, ये बीज अच्छा नहीं मिले हमने, पहले इसमें रोड हुई, ये चला गया, फिर में अब हमारा सबरे बिकना चाहिए, हमने आज से पहले टिंडे में कोई कीड़ा नहीं देखा था, ऊपर फूल बीमारी सबरे कर देंगे, आज छवा टिंडा है टिंडे में, भीतर कीड़ा भीतर काली करांगे के, यानी पहला पत्तिया पर आकर दिया बीमारी, ये टिंडा में है, ये टिंडा के बीच में एक फोआ भी कोई नहीं बनता, ये तो शांगी ने कहा था कि ये दी बना रहा छाटा कमरा बढ़ा देखियो धुमा कितना आया है, और जुकर देखा था वो खाद लिया, यहाँ पे खाद का गले दवाई दे दही जावा है, उसी प्रकार यो भी बड़ा शर्मा भड़का में पानी बांध दीजिए घबराया, हमें ये सोचा हाँ आके बीमारी गवर्नमेंट ने क्यों भेजी, कंपनी की संभाल क्यों नहीं कर दी, ये बार बार क्या जब मैं इंसान का भला करूंगा, अरे बीज नकली बेच है, दवाई नकली आवे, राज किस पे करेगा, जिस दिन वो जमींदार मर जाएगा, गरीब जमींदार गरीब में सारे, इसके ऊपर भला क्या होगा, या किसान की जो मेहनत है या मिट्टी में मिल गई है, तो इसके ऊपर और भला क्या करे, अनुको हमने मारा या ले रहने दे अनुको, हाँ हमने कम से कम बीज तो अच्छा दे दे, मारा कुछ गुजारा हो जाए, आपके 2000 में तो कुर्ता पजामा भी कौन बनता, तड़का खर्चा क्या कर चलावांगे, खाने भी चाहिए पीने भी चाहिए, सुक्का तो कोई नहीं चल लिया जाए, आदमी 8 बार भूखा चल देगा अगले पैर में तो पड़ेगा, हम न पगेड़ो ना मान दे गेट दिए माटी में लाए दिए देख 8-8 फुट की बाड़ी आज बाण लाग रही था, अरे बोई बाई सबरा कर पानी लाया दवाई छिड़की, अरे चकोते के 40,000 दिए आज हमें माटी में मिल गई, न्यू बता मारा जीना भी केस है, ये प्रधानमंत्री के करके छोड़ेगा, कम से कम अपनी गवर्नमेंट को ये तो कह दो आग जमींदार जाकर समस्या का हल करो, आज कहाँ गया वो चुटेला जो वोट मांगने आता, आज क्यों नहीं आंदा, देखो अपने तेरे कम के रहे है, खावा पीवा भाग रहा जाए वो सब उड़ाएंगे, अरे 25 तो लेवा मारे पे और राज में जाके उड़े न्यू कह मैं तेन्यू करूंगा, कर ले भाई तेरी सलाह है मरना मारी है बताओगे तो नागा जरूर, यानी किसान की मर है कड़िया चाल ले किसान की मर, खरबूजा न तला गेड़ दे चक्कू जी खरबूजा कटेगा, ऊपर टेक दे जी खरबूजा कटेगा, किसान मरना में से। तो भाई देखो ताऊ जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि किसान की तुम मर है चेक में कर लो, कोई सरकार है जो कोई भला नहीं करेगी, तो कोई भी सरकार हो भाई भला नहीं करेगी, तो जो बाण लग रहे भाई उससे भी एक बार बात कर लेते हैं,
और आप इतनी आसानी से ट्रैक्टर कैसे मारे? चलाना पड़ेगा इसमें, सीपी डाल रहा है सारा टिंडे में। हाइट तो अच्छी है बाड़ी की, देखा 7-8 फुट हाइट है और फल भी अच्छा है, टिंडे अच्छे हैं। 7-8-9 फुट भी कहीं कहीं पर सारी में कीड़ा हो रहा है। मानो आप बीज में कमी थी या फिर किस तरह आपको परवरिश अच्छी तरह नहीं हो पाई है? ये इस बात में के बताऊं, बीज में कमी है या कुदरत की देन है या किसी और बीमारी है? लेकिन आपने ध्यान तो पूरा रखा हुआ उसका, बिल्कुल बोल बहुत खाद भी, बीज भी, स्प्रे भी बहुत ज्यादा, पानी भी लगा रखे है। पूरे ज्ञानपुरा गाँव में खराब हो रही है, आसपास के गाँव में पूरे एरिया में ही हो रही है। लो जितने बरवाला साइड सब सारे खत्म हो रही है। आपने भी कितने किले में ट्रैक्टर चला है? अभी तक 8-10 किलो में चलाया जाए और बाकी चले रहा है। देखो भी कितनी जैसे इतनी ऊंची हाइट की और इतनी अच्छी फसल जिससे है, इस पे फल उठा रही है बाड़ी। हाँ? टिंडा अच्छा है। हाँ? तो इस तरह की फसल देख कर ना खुद कंपनी प्रोग्राम करा कर दी, लेकिन अब की बार नहीं आई कंपनी। नहीं, कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पता हुआ इस बात का, कंपनी तो अब की बार आई नहीं किसी जगह पे भी। नया आया साल 2-4, 5-4 प्रोग्राम गाँव के अंदर आया करते। तो कितना दर्द हो रहा है जो आप खड़ी फसल ने जो छाए भी ने आपने मेहनत तैयार करी है और आज ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है? दर्द के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर करेंगे क्या, मजबूर है। क्योंकि बच्चों की तरह पाला किसान फसल ने, बच्चों से भी ज्यादा, बच्चों की इतनी बालते होती भी नहीं जितनी इनकी हो रही हमारी। क्योंकि इसी के ऊपर सपने टिके हुआ किसान के कि स्कूल का खर्चा देना बच्चों का, बीमारी का, आरती के देने हैं वो देने हैं, पूरा खर्चा जो किसान जो निर्भर है इस फसल के ऊपर ही है। और जो फसल का रिजल्ट आया ऐसा तो क्या ये अपना खर्चा पूरा नहीं करती और तो कहां से करेगी, खुद का खर्चा नहीं पूरा करती अपने आप का ये। तो क्या अपील करना चाहोगे जो यहाँ से कि मुआवजा मिले कुछ सरकार से? मुआवजा चाहिए, बीमा है जो मुआवजा, सब अपील यह है हमारा वो करो जितना भी मतलब उसका गवर्नमेंट पे। चलो ठीक है जी, देखो भाई लगातार किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं और भी गांव के किसान हैं उनका बात कराएंगे। जो भाई 6 महीने की फसल है उसे पे आधारित है ये किसान है, तो 6 महीने की फसल पर आधारित है। तो आज देखने लग रहे भाई किस तरह ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। तो फिलहाल की तस्वीरें हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं भाई। सारे साथी आना चाहूँगा मैं, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे और भी जितने किसान पकड़े गए भाई, जितने भी साथी हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि जो 6 महीने में किसान फसल उगा हुआ है उस फसल पर आधारित है, उसकी बच्चिया की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा देखना पड़ा है भाई। जो आड़ती पे या फिर दुकानदार पर जो भी स्प्रे दवाई खाद बीज ये लिया हुआ है उसका भी देना पड़ा है, तो इसे पर आधारित है। इसे में अगर कुछ आवेगा तो तबे देवेगा वो। और बात करें बच्चों के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों की शादी, पूरा परिवार का पालन पोषण इसके कृषि पर आधारित रहा है। अगर इसे में बीमारी आजे है या फिर परमात्मा कोई अपनी मेहर बरसा दे है तो परमात्मा की अलग बात रही, लेकिन सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो जिसकी फसल खराब हो रही है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी पटवारी या नंबरदार के द्वारा गिरदावरी होनी चाहिए। तो फिलहाल देख सकते मेरे पीछे ये जो बड़ी बड़ी बाड़ी है, नरमा है, कपास है, कॉटन है, ये लगभग 8-9-10 फीट की ये पौधा है, वो बड़ा हुआ है, लंबाई है उसकी। तो ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक किसान का ये दर्द बोलता है। आज जो मिट्टी में किसान का दर्द है, मिट्टी में जो फसल मिली है, मैं फसल नहीं कहूँगा क्योंकि किसान ने मिल गया, क्योंकि किसान की जो इनकम है वो जीरो हो चुकी है और जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं और मेरा पीछे देखने लायक रहे भाई कि ट्रैक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा, ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा, इतनी ऊंची बाड़ी है और टिंडों से बिल्कुल लथपथ फल की बात करें पूरा उठा रही है, लेकिन वो फल का क्या बनेगा अगर उस किसान के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी टिंडा उखाड़ा या फिर उसको फोड़ा जाए तो उसमें कीड़ा मिलेगा और उसमें लाल मिलेगा वो, तो बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई। तो चलिए और भी किसान उनसे बात करवाते हैं। तो भाई देख सकते हैं ट्रैक्टर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो कितने दुख की बात है, इतनी बड़ी बाड़ी है, इतना बड़ा पौधा है। तो देखिए ये जितने भी मेरे आसपास ही आपको किले दिखाई दे रहे हैं सभी बाने लग रहे हैं। तो और भी ताऊ है भाई, इनसे बात करांगे कि ये कुछ कहना चाहवा है जो 1 साल 6 महीने की जो परवरिश के बाद जो आज ये फसल को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अंदर कीड़ा है, तो की बार नहीं कंपनी आई? मैंने बीज ना पहले कह दिया, मेरे खेत में कोठा लाया था माँ भाई सुई तैयारी जगह में करो, उधर माल की बोई बात इधर कुछ नहीं, मेरे खेत का कोठा ही बात सही है, ठीक है सुई तैयारी जगह में करो,
बीज वो कंपनी बंदे पारा रह जाते बोले जो बीज कटते सपरा वो ही बुन आते मालिक सुनिया तो सुनता ही नहीं मालिक सुना बीच दिन वोट मांग जो सुना मतलब वोटा टाइम पर सुना बस वोटा टाइम पर सुना कोई सुनता मालिक ना देख सकते हैं ज्ञानपुरा तो भाई देख सकते हैं जो फसल बाने लग रहे हैं कुकलाना में आता भाई ज्ञानपुरा और डिस्ट्रिक्ट हिसार है तो ये तस्वीर आपने दिखान लग रहे हैं भाई। और अगर बात करा कोई MLA विधायक पटवारी नंबरदार किसी ने भी आकर हाल चाल नहीं पूछा भाई क्यों भाव हो आप क्या कारण है तो बड़ा कारण तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई किसान इतनी बड़ी बाड़ी क्यों भाव था आज पूरा गांव राम लिखड़ रहा पूरा गांव राम बैठा है तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते पूरा गांव राम आज इकट्ठा हो रहा है और जो फसल बाढ़ लग रहे है तो भाई अब बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि अगर वो क्या करा भाई थोता चना बाज गणा अगर इसमें कुछ लिकड़ा ही नहीं गा तो और इसका करेंगे के तो किसान ने तो अगली फसल की तैयारी करनी है। मनीष क्या करा है ल पकड़िए पानी पी लो थोड़ा किसान ने तो फिर अनुमाची हो रही है आप ये कौन दिखा दे सारे जितने किले है घुमा ले देखो भाई ज्ञानपुरा के खेत हैं और ज्ञानपुरा के खेत जो आप देख रहे हो बाड़ी के पूरा का पूरा गांव का कहना है कि जितनी भी बाड़ी की फसल है सभी बीज हैं कोई एक बीज नहीं है जितने भी बीज हैं सभी बीज हैं पूरा गांव में अलग अलग बीज लगाए हैं लेकिन फिर भी बाड़ी की हाइट की बात करा तो 8-9 फुट देखो ट्रैक्टर अंदर है बाड़ी का ट्रैक्टर दिखता भी नहीं है और देखो लगातार उस तरफ भी अभी ट्रैक्टर चला रहे थे किसान और अभी यहाँ पर चला रहे हैं लगातार किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं और कितना दर्द है किसान के अंदर कितना दुख है वो तो आप जानते भी हो क्योंकि किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है परवरिश करता है और फसल के ऊपर ही किसान के सपने टिके होते हैं कि फसल बेच कर बच्चों की फीस भरूंगा बच्चों को पढ़ाऊंगा या फिर कोई मोटा खर्चा है हारी बीमारी है सारी की सारी फसल के ऊपर निर्भर रहे हैं और 6 महीने तक किसान फसल की देख रेख है जो कर रहे हैं लेकिन 6 महीने के बाद रिजल्ट क्या आया जो किसान ने मेहनत करी है कभी पानी देना कभी दवाई कभी सपरा उसका रिजल्ट आया हाइट तो अच्छी है और जो इतनी हाइट है और इतने टिंडे हैं इतना फल है अगर इतना फल और इतनी हाइट होती तो पहले तो जो बीज कंपनी है वो कंपनी आया कर दी प्रोग्राम किया कर दी अपनी मशहूरी किया कर दी कि देखो भाई हमारा बीज खरीदो आइयो भाई इधर सामने देखो भाई इस भाईता भी कितना ऊंचा पेड़ा है और बीज कंपनी आया कर दी क्या कर दी एड हमारा बीज खरीदो देखो कितनी अच्छी फसल है लेकिन अब की बार कोई कंपनी आई है की बार कोई कंपनी को नहीं आई एक मिनट असल लड़की को अब की बार देखो कोई कंपनी नहीं आई एड के लिए भी क्योंकि पहले ही कंपनी को पता चल गया हो गया कि फसल खराब होगी जो पहले कंपनी मशहूरी करने आया कर दी कोई कंपनी नहीं आई जी पहले जब बाड़ी आया कर दी हर साल अलग अलग गांव में अलग अलग प्रोग्राम आ रहे अलग अलग बीज के इब की बार कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा जी पिछली साल भी यह बीमारी आई थी लेकिन पिछली साल सीमित एरिया में थी इब की बार पूरा एरिया ले रखा जी ज्यादा दूर तक हमारे कई गाँव है यहाँ पर लगभग 90% बाड़ी सारी खराब हो चुकी जिसमें 2 मन बाड़ी या किसी में 1 मन बाड़ी या 3 मन बाड़ी तो उसमें 1 क्विंटल बाड़ी में क्या होगा जी 1 किलो खर्चा हमारा लगभग 20,000 लग चुका है
बाकी तो सारा नुकसान ही नुकसान। और जो ठेके पे ले रहे फिर उनको तो और ठेका भी है, उनका तो और भी, उनका तो जिसका ठेका 30,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 40,000 है, वो और उसका जो शामिल कर ले तो 60,000-70,000 भी एक एकड़ का खर्चा हो गया। और सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है, डीजल पेट्रोल की बात करा तो क्योंकि ज्यादातर डीजल का प्रयोग किसान करते हैं क्योंकि ट्रैक्टरों के साथ ही खेत में काम होता है, लगातार दाम बढ़ा रही है सरकार। उसका तो कोई हल कौन जी, सिर्फ व्यापारियों का तरह बढ़े है, हमारी जो फसल अधिक तो हो जाए तो दाम गिरते हैं, यदि कम हुआ है तो फिर दाम बढ़ा दे है, उन आपकी फसल स्टॉक पूरे करने हैं तो हमारे दाम बढ़ा दे, यदि एक किलो में हमारे 2 मण हुई, 1 क्विंटल हुई तो हमारी 20,000 रुपये के दाम ने के मिले जी। आपने कितने किले वो रखे बाड़ी? हमारे 7 किले बाड़ी। तो कैसी हो रही है आपकी भी सारी ऐसी? सारी की सारी बाड़ी इसी है, यही ट्रैक्टर हमारे खेत में ताला लगाएगा, साथ के साथ सारे भाई हैं। अरीब एक फसल बैदी नाम ना अगली फसल की गारंटी जी, बाग गई हो जाएगा की कि तो कितना दुख हो रहा है। एक तो आपने ऊपर लगाया, एक किला पे 15-20,000 रुपये खर्च हो गया, 7 किले आपने लगाए हैं और ऊपर तो आपको फसल के तरफ से कुछ भी फायदा नहीं होया, जो फसल खराब होगी तो कितना दुख हो रहा है? दुख का तो घट है जी, दुख में कोई कमी नहीं रहनी जी, लेकिन फिर इलाज भी को नहीं जी, दवा कड़ा खेती करा तो खेती करनी पड़ेगी, एक बार घाटा गया दोबारा फिर उम्मीद पर लाग जी, हाँ जी बाप की बार नहीं तो अगली बार मिलेगी, लेकिन जो भी घाटा गया ऊपर तो गवर्नमेंट घाटा कर रही जी, तुम्हारे भी तो कुछ जान नकड़िया जगह ही कर। ठीक है भाई, देखो भाई लगातार है जो ज्ञानपुरा के अलका नारण बड़ा भाई उकलाना, देखो भाई गांव ज्ञानपुरा हल्का उकलाना जिला हिसार, ये किसान जो परेशान है क्योंकि पूरे पूरे गांव की जो बाड़ी की फसल है उसमें कीड़ा लग गया, हाइट अच्छी है, फल अच्छा है, लेकिन कुछ काम का नहीं है, काम का क्यों नहीं है, अंदर कीड़ा लग गया, जितने भी टिंडे आप देखोगे तोड़ोगे फोड़ोगे तो अंदर सुंडी आपने कीड़े मिलेंगे, हाइट देखो तो 9-10 फुट हाइट है इन पेड़ों की, लेकिन इस हाइट का इस फल का किसान को कोई फायदा नहीं होया, फायदा नहीं होया, और इसीलिए गांव ने भाई पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ने ट्रैक्टर चलाने का फैसला ले लिया, और करें भी क्या, और कोई चारा भी नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि भाई खराब होगी, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, जो बीज कंपनी है जो बीज है उन बीजों की जांच करानी चाहिए कि आगे इस तरह की समस्या ना हो, देखो जो किसान नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए, लेकिन बीज की जांच भी जरूरी है क्योंकि आगे इस तरह की परेशानी ना हो, और जो कंपनी है वो भी अच्छा बीज देवे, सिर्फ झूठी ऐड ना करें जिस तरह किसान ने दिन ना देखने पड़े, आज किसान ने दिन देखने पड़े हैं और ट्रैक्टर चला रहे हैं लगातार, दुख की तो पूछो ना किसान ने कितना दुख हो रहा है, क्योंकि लगातार किसान खेतों में ही मेहनत करते और खेतों पर ही निर्भर रहते हैं, और एक पौधा भी अगर टूट जाए तो उसका बहुत दुख हुआ है, लेकिन आज ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है बड़ा दुख है, और जो बीज कंपनियां इन्हें ध्यान देना चाहिए, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, इन बीजों की जांच करावे, ज्ञानपुरा हल्का उकलाना में है और पूरा पूरा गांव का कहना है कि भाई 99% बाड़ी खराब हो रही है, देखो इस तरफ भी देखने में पौधे अच्छे खासे हैं, बाड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जो कपास अंदर जो फोवे हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं, जो टिंडे हैं, और गांव के लोग खड़े हैं सारे, पूरे गांव के लोग सभी
ट्रैक्टर चलाएंगे। तो साथियों वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो, शेयर करते रहो। और भाई जो आज दुख तो बड़ा होया है जो किसान ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार किसान दिन रात मेहनत कर रहा है और इस फसल पर किसान के सपने टिके हुए हैं, अपने घर के खर्चे और खर्चे जो भी हैं, मोटे छोटे जो भी खर्चे हैं सारे फसल पर, कि फसल बेच कर दूंगा, फसल के बाद दूंगा, लेकिन फसल का रिजल्ट है तो वही 6 महीने बाद वो क्या रहा है क्या नहीं, और आज के रहा है। और फसल आइट भी अच्छी है भाई, बार बार बताने लग रहे हैं, टिंड फल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात है जो अंदर है कीड़ा लग रहा है लगातार। किसानों का जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ट्रैक्टर चला रहे हैं देखो भाई, वहाँ मजबूरी हो रही किसानों ने ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि बच्चों की तरह फसल पालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब फसल खराब हो जाए 6 महीने की मेहनत के बाद तो अंदर तक टूट जाए बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की तरह पड़ी हुई फसल नष्ट हुआ है तो दुख तो हुआ है। और यहाँ के किसानों का कहना कि भाई पूरे गांव की जो बाड़ी की फसल वो खराब हुई है, इस पर सरकार ने भी सूझ लेनी चाहिए, जो बीज कंपनी है उन पर एक्शन ले हुए, बीज की जांच करा हुआ है कि आगे इस तरह की परेशानी ना हो, और इनका मुआवजा तो देखो बनता है, क्योंकि कुछ ठेका पर ले हुआ 50,000-40,000 रुपये ठेका ले हुए हैं, कि वो 50,000-40,000 तो वो लगा दिए और 20,000-30,000 रुपये ऊपर खर्चा करा है, तो उनका तो भाई मन वाला काम हो जाएगा। खुद किसान अभी कह रहे थे भाई या तो मैं इतना नहीं करा तो के करा, मजबूर हो जहाँ बिल्कुल टूट जहाँ, जब सारे बाणे बजाए ले हाँ, जब कुछ नहीं चारा चलता तो बाद में आत्महत्या करनी पड़े, तो ऐसा नहीं करना पड़ा किसान ने, उससे पहले ही कुछ सूझ लेनी चाहिए। जो पटवारी हैं, डीसी है, एसडीएम है या सरकार है, सभी ने अपने अपने लेवल पर किसानों की समस्या सुननी चाहिए, और जहाँ तक हो उसका समाधान की भी सोचनी चाहिए, जो समाधान निकल जाए। और ज़्यादा तो बीज कंपनी की कहोगे, बीज कंपनियाँ पर एक्शन लेवा, उनकी जांच करा हुआ है, क्योंकि बीज कंपनी अगर वो अच्छी बीज बनाऊंगी और सही बातें कहकर बीज देंगी तो इतना नहीं होगा, लेकिन झूठ बोल ले जाओ हैं, झूठ ऐड कराओ हैं, और जो इसका रिजल्ट आज ही हो रहा है। मेरे हमने पानी पीने के लिए कौन है भाई, शेयर कर दे रहा हूँ, जितने साथी जुड़ रहे हैं शेयर कर दे रहा हूँ। शेयर कर दे रहा हूँ भाई, जितने साथी जुड़ रहे नहीं, ताकि सभी को पता लग जाए भाई किसान की जमा वीरान माटी है। भाई फिलहाल देख सकते हैं जो तस्वीर है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति गुजर जाए है और उसका शोक प्रकट करे, तो उसी प्रकार आज किसान की जो फसल है वो बिल्कुल खराब हो ली थी, नष्ट हो ली थी, तो उससे आज बाण लग रहे हैं, और दिखावांगे अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका शोक प्रकट करे, उसी प्रकार आज किसान अपनी फसल का शोक प्रकट कर रहे हैं, और गाँव के जो बहुत से लोग आए हुए हैं तो किसान है उनसे बात करावांगे भाई। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो ताकि लोगों को पता चले, जो सरकार है सरकार को पता चले, यहाँ से विधायक है अनूप धनक जी है उकलाना हल्के में आता है, ये गांव
ज्ञानपुरा है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो अनुपधाना के ने भी सख्त आदेश देने चाहिए, क्योंकि जो किसान की 6 महीने की मेहनत है वह 6 महीने की मेहनत है किसान की आज मिट्टी में मिल गई है, तो इसका कुछ मुआवजा होना चाहिए। मेरी तो सरकार से और जो शासन प्रशासन से यही अपील है कि इन किसानों की ओर भी थोड़ा ध्यान जरूरी है, क्योंकि अनूप धानक जी को भी बड़े चाव से वोटों के साथ, अच्छे वोटों के साथ यहाँ से जिताया गया था और फिर उसको मंत्री भी बनाया गया है, और आज वो जो मजदूर किसानों की सूद भी नहीं ले रहे हैं, उनके बारे में बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कुर्सी पर बिल्कुल स्टेबल होकर बैठे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। और एक किसान आंदोलन का भी नाम लेते हैं कि हमको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर वो चाहे वहीं से बैठकर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ किसान है, किसान से ही बात करेंगे। भाई साहब क्या लगता है आज क्यों ये बाढ़ लग रही है आप? भाई साहब सारी बर्बाद होगी फसल में टिंडा कीड़ा होने की वजह से सारे खराब हो रही फसल। भाई इसमें है निरह कुछ खराब हो रही है, बर्बाणी पड़ेगी आगे। तो किसकी कमी है? बीज की कमी है। अच्छा, देखो भाई बीज की कमी बताई जा रही है, क्योंकि पूरा गांव के लोग आ लिए और गांव के लोग तो पता किया है कि भाई यह कमी कड़े बन रही है। तो जो यही बात पूछा हम तो कोई भी आ जाओ तो बतावेंगे भाई बीज की कमी है। तो बीज की कमी तो यह जो कंपनी है इस कंपनी पे भी लगाम खंचनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत बीज दे, कोई गलत प्रोडक्ट दे है, तो गलत कोई पौधा दे है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि भाई बीज की कमी, पानी की कमी या कोई और समस्या है। तो बड़ी समस्या तो यह है भाई, किसान का खेत में कोई नहीं आ रहा अब तक, बड़ी समस्या तो यह बन रही है। और टिंडे की बात करें तो बिल्कुल लथपथ है, जो फल है बिल्कुल खूब मात्रा में है भाई, बिल्कुल लथपथ है पेड़े हैं जो, और पेड़े की हाइट की बात करें तो लगभग 7-8 फुट जरूर है, और अपने बच्चों की तरह किसान पालते हैं, और आज अपने बच्चों की तरह पालते हैं, और आज ये जो फसल है उसको बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। भाई नष्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक अन्ना का भी फायदा नहीं निकला है, और खर्चा देखा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है। और बात करा किसान की 6 महीने की कमाई की, 6 महीने की कमाई आय कमाई है भाई, और 6 महीने में उसने बिरयानी केक के सपने सजाने हुए हैं, तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फीस के लिए भी सोचना पड़ा है, अपने बच्चों की शादी के लिए और परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ा है। लेकिन अगर बात बिल्कुल गरीब मारी पर आज है, किसान की जो फसल है वह बिल्कुल खत्म होने पर चली जावे है, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करे भाई। तो इसी प्रकार इस कृषि प्रधान देश में हर रोज पता नहीं कितनी मृत्यु होती है, मृत्यु होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि मजदूर किसान घाटे में है, किसान बिल्कुल घाटे में चल रहा है, किसान कर्जा उठा हुआ है कि कहीं से दवाई ले है, कहीं से सपरा ले, कहीं से खाद बीज ले है, तो उसकी उधार नहीं दे पाता तो उस पर प्रेशर बन जाए है, और उसी कारण वो आत्महत्या कर ले है। तो भाई मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं भाई, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, और ये ज्ञानपुरा गांव है, उकलाना हल्के में आता है और जिला हिसार है। तो आज किसान ने कुछ ठेके पर भी ये जमीन ली हुई थी, लगभग 35-40 हजार रुपए ठेका बताया जा रहा है एक साल का, और जो फसल बोई थी भाई वो बिल्कुल जीरो लेवल पर बनी है, जीरो पैसा बना है उसका। और खर्चा ही बात करा तो खर्चा बहुत ज्यादा आया भाई उस पर, खर्चा बहुत ज्यादा आने के कारण आज किसान बिल्कुल भिखारी वाली कगार पे है। तो भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक एक शेयर जरूर करें, ताकि शासन प्रशासन को भी पता चले भाई किसान को कितनी दुख की घड़ियां झेलनी पड़ रही है। अगर किसान को एक बात बताता हूँ मैं, किसान को अगर 100 रुपए का भी नफा हो जाए नहीं खेती में, तो उसका परिवार खुश हो जाए है, जो खर्चा है वो लगा कर और उसमें 100 रुपये खर्च ऊपर बन जाए नहीं, तो उसमें ही परिवार खुश हो जाए। क्यों खुश हो जाए है? चलो भाई जो लगी थी लागत थी वह पूरी होगी, इस कारण जो टोटा में आ जाए तो वह दुखी घड़िया झेल नहीं पाता, लेकिन 100 रुपये मुनाफा में भी आ जाए तो उसका परिवार खुश हो जाए है। तो
भाई बड़ी बात यह है, खेती भी जरूरी है, खेती हर साल हर छह महीने में करनी पड़ा है। वही बात है भाई, बोले किसान अगर जितने खेती छोड़ दी तो करनी भूल जाएगा। खेती नहीं छोड़ सकता किसान, कदे परमात्मा की मार है, कदे सरकार की मार है, कदे भाई बीज कंपनियां की मार है। ये मार चलती रहे लेकिन किसान नहीं हारता है, किसान बिल्कुल चलता रहता है और खेती करता रहता है, चाहे टोटा हो चाहे नफा, वो है कर्मानुसार चलता रहता है। तो भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, भाई बहन जितने भी साथी हैं, सारे शेयर जरूर करते रहे। और यही हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक ना कोई पटवारी है, ना कोई विधायक है, किसी का भी कोई संदेश नहीं आया है। और ये फसल कई किले बर्बाद कर चुके हैं, ये जो बाज चुके हैं बर्बाद, बर्बादी होगी फसल भाई, बर्बादी कहवाएंगे। तो इसमें बड़े दुर्भाग्य की बात है, किसी का भी अब तक कोई संदेशा नहीं आया है। तो भाई कोई कमेंट करके पूछना चाहता हूँ, कमेंट भी कर सको भाई। भाई श्याम सुख में भी यही हाल है नरमे का। तो भाई भाई की कमेंट आ रही देवेंद्र कुमार की, श्याम सुख में भी यही दिक्कत बन रही है भाई। तो भाई इसे न ज्यादा से ज्यादा भाई फैलाओ, क्योंकि शासन प्रशासन को भी पता चले भाई किसान किन दुखी घड़ियों में चल रहा है, किन दुखी घड़ियां झेल रहा है। तो शासन प्रशासन को भी पता चलना चाहिए, या फिर शासन प्रशासन बात करूं मैं शासन की, तो वोट लेने के समय ही अपने जो हाजिरी है वही दिखाता भाई, मैं आपके घर आ लिया और आपने वोट देने हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर किसान है, उनकी नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा। जनता आपको चुनकर भेजती है, जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजती है, जनता आपको चुनकर संसद भेजती है। तो आपने जनता की नहीं मानी तो आप बिल्कुल आगे किसी काम के नहीं रहोगे। मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं, दूसरी बार तो हो सकता है वो कहीं से डगमगा जाए। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर करते रहे। आप सभी से अपील है ताकि इस वीडियो से ये लोगों को पता लग जाए कि किसान कितना दुखी है। किसान मजदूर का मेरे वर्ग के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपनी कुर्बानी दी है, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए किसान मजदूर को अपनाते हैं, किसान मजदूर का फायदा कुर्सी के लिए उठाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बाद में उनकी स्पीच नहीं आती, कोई उनके बारे में कोई भी थोड़ा हावी बयानबाजी नहीं करते हैं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर जरूर करते रहे। और मेरे सामने ही जो अभी एक एकड़ ये है और एक एकड़ परली साइड है, उस साइड जो बहा दिया है और इसको बहाने लग रहे हैं, रोटावेटर चली हुई है। तो किसानों का कहना है कि जो बीज है, बीज बिल्कुल खराब आया है और बीज की वजह से ही ये दिक्कत बनी हुई है। तो कंपनी पर भी ये लगाम कसना चाहिए और कंपनी की जांच होनी चाहिए, जो ये बीज है बीज की जांच होनी चाहिए कि ऐसी समस्या क्यों बनी है। तो इस समस्या का बड़ा कारण है, और इसमें कोई भी टिंडा अगर हम उखाड़ते हैं तो उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें लाल और साथ में कीड़ा। तो बड़ी बात तो यही, पहला कीड़े थे वो पत्तों पर लगते थे, लेकिन अभी इस टिंडों में घुसे हुए हैं। हो सकता था एक आधा टिंडा में भाई पहला कीड़ा मिल जाएगा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल पूरी जो कपास जो पौधा है उसमें सारा में कीड़ा है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक समान कर दिया गया है, और जितने ये आपको सामने दिखाई दे रहे, जितने एकड़ दिखाई दे रहे हैं वो सभी में ये दिक्कत बनी हुई है। अभी दूसरे की बारी है, जो ये मेरे सामने देख रहे हो, आगे देख रहे हो, अभी इसमें ये ट्रैक्टर घुसाया जाएगा और तब इसको भी एक समान किया जाएगा। तो भाई इस वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, शासन प्रशासन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाते रहे ताकि लोगों को पता चल सके। और कई बार ऐसा होता कि एरिया नहीं पता लगता, कुछ नहीं जुड़ते, तो ये उकलाना हलका, हिसार में उकलाना हलका है, उकलाना हलके के गांव ज्ञानपुरा की ये तस्वीरें हैं। ज्ञानपुरा में अभी ये ट्रैक्टर है, लगभग एक किसान ने कुछ ठेके पर ज़मीन ली हुई थी और कुछ घर की थी,
तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को किसान को मिला है। ज्ञानपुरा जिला हिसार और अनूप धानक यहाँ से जो मंत्री है, उकलाना हल्के से मंत्री है, उनके एरिए का ये गांव है। तो ये ट्रैक्टर अभी चल रहा है और ये लगातार चलता ही रहेगा। 10-12 किले ट्रैक्टर वाला बोलता है कि मैंने अभी तक कवर कर दिए हैं। ये सुबह वक्त से ही लगा हुआ है, सुबह जल्दी लग गया था, तो उसके बाद ये अभी यहाँ इस खेत में पहुँचा है। तो सभी साथी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ये तस्वीरें। गांव ज्ञानपुरा जिला हिसार और हल्का उकलाना पड़ता है, उकलाना हल्के की तस्वीरें हैं। और दागजब हरियाणा पर भाई लाइव हमने इसीलिए कि हमने कोई लालच नहीं लाइव किया है, तो लाइव सिर्फ इसीलिए किया है कि ताकि लोगों को पता चल सके और एक शेयर करने में कोई दिक्कत ना बने, क्योंकि इसमें अगर आप शेयर टू ग्रुप करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है लाइव में शेयर टू ग्रुप, और ग्रुपों की वजह से ही वीडियो ज़्यादा चल पाती है और जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं उनको भी जल्दी पता लगता है। तो ये जो एक एकड़ है ये बिल्कुल एक समान कर दी गई है, जो इसमें बाड़ी थी भाई, नरमा थी, कॉटन थी, वो बिल्कुल बहा दी गई है। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं भाई, सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। और जिस प्रकार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर लोग शोक मनाते हैं, उसी प्रकार आज गांव के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, सामने बैठे हैं, काफ़ी लोग आए हैं गांव के लोग, उन्होंने ऐसे ही शोक प्रकट किया है कि हम तो अब मारे जाएंगे, गरीबों की अब कौन सुनेगा। क्योंकि पटवारी के पास भी फ़ोन किया गया, पटवारी बोलता है कि मैं कल को आऊँगा, सोमवार को आऊँगा, आज संडे की छुट्टी है। और तहसीलदार के पास फ़ोन किया गया तो फ़ोन बंद आ रहा है। और अगर कोई भी भाई CID का भाई इस वीडियो को देख रहा है तो शासन प्रशासन के लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि CID के माध्यम से ही ये आवाज़ है जो आगे पहुंच पाती है, तो जल्दी पहुंच पाती है, क्योंकि वही देखते हैं भाई क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एरिया बंटा होने के कारण उनके पास न्यूज़ जो भी आती है अपने एरिया की वो जल्दी पहुंचा देते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है भाई, ये 400 प्लस साथी जुड़ रहे हैं, तो सभी एक एक शेयर ज़रूर करें। ये तस्वीरें हैं, ज्ञानपुरा है, जिला हिसार में है और लगभग खेड़ी चौपटा से 8-10 किलोमीटर बरवाड़ा की तरफ है। ये यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि जो किसान है, किसान अपने नरमा को बहाने लग रहे हैं। तो इसमें बीज का कसूर ठहराया गया कि जो कंपनी है, बीज कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है, उसी के कारण ये दिक्कत बनी है। ये दिक्कत एक दो किसान को नहीं, ये इस गांव में तो पूरे गांव में है, लेकिन आसपास के 14 गांव बताए गए हैं, 14 गांव में ये दिक्कत बनी है। 14 गांव में दिक्कत आने के कारण आज किसान बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और बात करें हम किसान के परिवार की, किसान का परिवार भी वही क्या खाएगा, अगर उसके पास कुछ धन राशि नहीं होगी, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, तो क्या कुछ खा पाएगा भाई। यही बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की छात्रवृत्ति भरने के लिए और बच्चों की शादी के लिए या फिर परिवार के पालन पोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा राशि की ज़रूरत होती है और अनाज की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसी को देखते हुए किसान बिल्कुल नष्ट होने की स्थिति पर है। बार बार एक ही समस्या बढ़ रही है, आत्महत्या का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो किसान है, किसान को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुनाफा तो कहीं नज़र भी नहीं आता। और भाई इस वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं भाई, अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लगभग 14-15 एकड़ है, 14-15 एकड़ में ये ट्रैक्टर चला हुआ है, ट्रैक्टर कम से कम 14-15 एकड़ में अभी बहाने लग रहे हैं। तो गांव के लोगों को देख सकते हैं इस तरह बैठे हैं, जैसे कोई शोक प्रकट कर रहे हैं, तो शोक तो ये फसल का ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक प्रकट करने के लिए
शोक प्रकट करने के लिए इस तरह ही बैठा जाता। तो आज किसान की जो हालत है उसी हालत को देखते हुए ये पूरे गाँव की है और गाँव के आसपास 14 गाँव है, 14 गाँवों में ये दिक्कत बनी हुई है। तो ये समस्या आज पहली बार ये समस्या बनी है और इस समस्या का कारण मुख्य कारण है कंपनी ने जो बीज दिया वो बिल्कुल ही घटिया किस्म का बीज दिया है। तो घटिया किस्म का ये बीज दिया है। तो ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वगैरह भी भाई नहीं थमने का नाम नहीं लेगा क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा है और समस्या बनने के कारण ही भाई किसान आज जीरो लेवल पर पहुंच चुका है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे। और अभी ज्ञानपुरा जो उकलाना हल्के हिसार डिस्ट्रिक्ट का उकलाना हल्के में ज्ञानपुरा गांव है उसी में ये दिक्कत बनी हुई है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।